अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं नाश्ते से, और ये मेनू व्लॉग है। आपको पता जल्दी 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 बोलना पड़ इतनी स्पीड मेरी नहीं है, आप ही की बहुत स्पीड है। मेरी बहुत स्पीड है यार, पर मैं यहाँ पे पता क्यों फिर बोल नहीं पाती। आप भी पता नहीं क्यों। अच्छा, अम्मी के लिए पराठे बनाए थे, साथ में आमलेट बनाना था, तो अम्मी जो है ना आमलेट में बहुत सारा मसाला खाती है, चाट मसाला। हाँ, तो ये मैं एक हाथ से वीडियो भी बनाई थी और फिर काम भी कर रही थी, तो फिर ये साथ में अचार का अचार था, मिर्ची वाला अचार, तो उसमें मैंने मम्मी को दिया। ये साथ को नाश्ता देने लगे थे, अब आप ही भाई के लिए लेकर जा रही हूँ। उनको आज कड़क पराठे वो चाय पराठा नहीं खाते। अच्छा, ये मैं अपने लिए आलू और करेजी लेकर बैठी थी यहाँ पे, आप ही नाश्ता करने नहीं बैठी। उनको नाश्ता नहीं करना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। ये मेरी चाय है, मैं चाय कप भर के पीती हूँ। सुबह की चाय, शाम की चाय, दोपहर की चाय, मुझे बड़ा शौक है। और आर्यन जो है ना पीछे, अर्शियाँ इतना तंग रहा था, उसे मैंने झूले में डाल दिया। ये दोपहर का व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब देखें आज हमें क्या बनाया था। आलू गोश्त गोश्त निकाले मैंने। आप ही का कमरा ये सेट होता ही नहीं है, बच्चा सेट करने नहीं देते। अर्शियान फैला देता है, बहुत तंग करता है। और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी इनके लिए ना, ये आलिंग को लेने के लिए गए हुए थे, तो फिर मैंने फटाफट कपड़े प्रेस कर लूं। आज मेरा दिन था और ये फटाफट मैं मसाला डालने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, ये कि मैंने किचन फैलाया था, तो आप किचन फैलाया था पूरा बना दूं। इग्नोर करें, पीछे अर्शियान ने जो हरकत की है, खैर तो फिर हम उसकी तरफ जरा ध्यान दे दिया था हमने। आप ने प्याज फ्राई किया, उसमें गोश्त डाला, भी सारे मसाले डाले, क्योंकि हम लोग ना वो गोश्त बनाते ना, जो बीफ बनाते हैं मसाला भून। अच्छा, ये देखिए मैंने पूरा किचन फैलाया, सब कुछ धोंगी, तो ये पूरा किचन देखे फैला। और ये ना मैं जब मसाले डाली थी, देखा जीरा ही नहीं भुना पिसा हुआ, मैंने फटाफट जीरा मतलब कूटने लगा। अच्छा, हम कूटते हैं या फिर हम पीसते हैं सिल पे? खुद आपको दिखाएंगे, हम सिल मसाला पीसते हैं अभी भी। तो सिल में हल्के चॉपर है, ब्लेंडर है, सब कुछ है, लेकिन हमें सिल की आदत है। सिल में मजा आता है, टेस्ट होता है, टेस्ट भी अच्छा। चटनी बनानी हो या शामी कबाब बनाने हो, मसाले पीसने हम सिल यूज करते हैं। कभी अर्जेंट होता है तो हम ब्लेंडर यूज कर लेते हैं। हम खाने में जो है मिर्ची बहुत तेज खाते हैं, स्पाइसी बहुत खाते हैं, हमारे खाने में चटपटे होते हैं। अच्छा, पीसी मिर्ची, कुटी मिर्ची और हरी मिर्ची, हम तीनों चीजें ऐड करते हैं। इतनी ज्यादा होती है ना कि कोई खा नहीं सकता वैसे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई खा नहीं सकता, मतलब हम स्पाइसी खाते, लेकिन हमारे घर के खाने अल्हम्दुलिल्लाह सबको बड़े पसंद आते हैं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा, ये जो है अभी 3 मिनट की वीडियो थी ना, 3 मिनट की वीडियो, तो फटाफट बोलना था हमें, फटाफट बोलना था। ये सुबह से दोपहर की रूटीन नहीं हुई है, अभी दूसरे पार्ट टू पे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जरूर पार्ट टू वीडियो वॉच कीजिएगा, लाजमी वॉच करिएगा। आज मैंने पहली बार वीडियो जो है सुबह से दोपहर तक वाकई में बनाई है, ऐसे बनाई है हमने, तो प्लीज लाजमी वॉच कीजिएगा, लाइक करिएगा। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बट वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर